जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे सोम प्रदोष का शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल का समय और पूजा की विधि। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष का दिन जब सोमवार को आता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं और जो प्रदोष शनिवार के दिन आता है उसे शनि प्रदोष कहते हैं। मई माह का आखिरी प्रदोष व्रत 24 मई 2021 को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि आरंभ 24 मई 2021 सुबह 3:38 से, त्रयोदशी तिथि समाप्त 25 मई 2021 रात 12:11 तक। पूजा का समय शाम 7:10 से रात 9:13 तक। इस व्रत के जरिए भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उनकी पूजा विधि विधान से की जाए और उससे भी जरूरी है श्रद्धा भाव और पवित्रता। इस दिन विशेष रूप से 2 मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम तत्पुरुषाय विस्महे महादेवाय धीमहि तत्रो रुद्र प्रचोदयात्। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करने पर व्यक्ति को निरोगी काया का वरदान मिलता है। इसके अलावा भगवान शिव इस व्रत को रखने वाले भक्तों की उनकी मनोकामनाएं पूर्ति का भी वरदान देते हैं। यह व्रत शत्रुओं पर विजय पाने के लिए अच्छा माना गया है। इस व्रत में पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। सुबह स्नान करने के बाद दूध पी सकते हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में नमक खाने की मनाही होती है, सिर्फ फल का सेवन करना चाहिए। प्रदोष काल शाम के उस पल को कहते हैं जब आसमान में तारे तो हों लेकिन रात पूरी तरह न आई हो। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल, धतूरा, बिलपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती और फल होना चाहिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।